सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हमारे लिनक्स की कुछ कमांड्स। हमने जैसे कि हमारा लिनक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था, और हमने देख लिया था कि हम कैसे अपने इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं इन लिनक्स, एंड अपनी वेबसाइट कैसे होस्ट करके रख सकते हैं हमारे लिनक्स के सर्वर पर। तो अब हम देखने वाले हैं लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स, और इस वीडियो में आपको जो सारी बेसिक्स कमांड्स हैं लिनक्स की, वो आपको कवर करा दी जाएंगे। जो भी आपकी कंपनी स्पेसिफिक कमांड्स हैं, जो भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, वो सारी कमांड्स मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। सो आप ये वीडियो ध्यान से देखना और इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हम कैसे लिनक्स की कमांड्स का एक्चुअल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमें चाहिए होगा क्या, सबसे पहले एक ईसी टू इंस्टेंस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम अपना एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, और उसी के ऊपर हम अपनी सारी लिनक्स की कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमारा लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं हमारे इंस्टेंस का। मैंने अपने इंस्टेंस का नाम दे दिया है लिनक्स वन। अमेजॉन लिनक्स AWS हम यूज़ कर रहे हैं AMI, और T2.micro की पैर है हमारा, जो हमने पहले से बना के रखा है उसका कम है हमारे पास की पैर, हम वही यूज़ करेंगे। हमारे पास की पैर है यहाँ पर .pam या .pp के, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम .pam यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एडिट करेंगे नेटवर्क सेटिंग, सबनेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम कोई भी जोन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास A, B और C जोन है, तो हम यहाँ पर A जोन सेलेक्ट करते हैं, और हम एक एग्जिस्टिंग हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हम न्यू भी बना सकते हैं, तो मैंने ये मेरे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, और इसे कर देते हैं हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, दो इंस्टेंस हमारा हो गया है लॉन्च, हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अभी हमारा इंस्टेंस लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। तो हमारे यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग आ चुका है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, और ये एग्जांपल वाली जो कमांड है हम इसे कॉपी कर लेंगे। ये कमांड कॉपी करने के बाद में हम अपना ओपन करेंगे मोबाइल स्टॉक। यहाँ पर हम अपने की पैर का पार दे देंगे, हमारा की पैर जो है वो डेस्कटॉप के अंदर की पैर नाम के एक फोल्डर है उसके अंदर है। तो CD होती है हमारी चेंज डायरेक्टरी होती है, जो हमारा फोल्डर्स चेंज करने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मेरा जो की पैर है वो मैंने अपने एक की पैर नाम का एक फोल्डर बना के रखा है डेस्कटॉप में, वहाँ पर मेरा की पैर मैंने स्टोर करके रखा है, तो मैंने इसलिए उसका पार दिया है यहाँ पर। और आपके पास एक और वे होता है मोबाइल स्टॉक ओपन करने का, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी ये जो कमांड है ना SSH IDNXPAM, इसको आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, और हमारा यहाँ पर हम EC2 यूज़र में लॉगिन कर जाएंगे, क्योंकि हमने EC2 यूज़र ही यूज़ किया है अपना इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो हम EC2 यूज़र के अंदर हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, देखिए ये लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, sudo su, ये हमारी सबसे बेसिक कमांड होती है। तो हमारे पास हमारी फर्स्ट कमांड है sudo su -root। sudo su का क्या मीनिंग होता है, हमारा सुपर यूज़र डू स्विच यूज़र। sudo su -root करेंगे तो हम आ जाएंगे हमारे रूट यूज़र में। हम यूज़र स्विच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है, तो आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है कि आपको हाइफ़न के बाद में आपको स्पेस भी देना पड़ेगा, तभी ये कमांड आपकी वर्क करेगी। तो हमने लिखा है sudo su। अभी हम देखना चाहते हैं हमारा कौन सी डायरेक्टरी के हम अंदर हैं, तो हम करेंगे PWD। ये हमें बताता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। हमें वापस से स्विच करना है हमारे यूज़र को EC2 यूज़र से, तो हम अपने कर देंगे इसमें EC2 -EC2 यूज़र। तो अभी हम कौन से डायरेक्टरी के अंदर आ गए, हम EC2 यूज़र में आ गए हैं होम के अंदर। ठीक है, हम अब देखेंगे PWD से हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं। अभी करंटली हमारी डायरेक्टरी हम EC2 यूज़र के अंदर हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक कमांड होती है whoami, ये बताता है कि हम अभी करंटली कौन से यूज़र में हैं, हम हैं EC2 यूज़र। आप देखिए कि PWD में हमने देखा कि हम होम के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर EC2 यूज़र में हैं, और whoami ने हमें क्या बताया कि हम कौन से यूज़र में हैं, EC2 यूज़र के अंदर हैं। ऐसे ही हम एक बार इसको लेते हैं sudo su -root, हम चले जाते हैं हमारे रूट यूज़र में। अब हम देखते हैं
हू एम आई, तो ये हमें बता रहा है कि हम अभी रूट यूज़र में, और हमने सूडो सू रूट करके हमने पीडब्ल्यूडी देखा था, तो यहाँ पर हमें देखा था कि स्लैश रूट, क्योंकि इसने हमें क्या बताया कि हम डायरेक्टरी में हैं, रूट स्लैश के अंदर रूट डायरेक्टरी में, और ये बता रहा है हम क्या रूट यूज़र में हैं। तो ये हो गई हमारी कमांड, ठीक है। अभी हम कंट्रोल डी से लॉग आउट कर सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट लॉग आउट करना है इसी यूज़र में आना, तो हम करेंगे कंट्रोल डी, ठीक है। हम इसी यूज़र से भी लॉग आउट हो गए, जैसे कंट्रोल डी करेंगे हम लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास होती है, एक होती है हमारे पास सीडी कमांड, जो बहुत ही बेसिक है। सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, हमें डायरेक्टरी चेंज करना है तो हम सीडी का यूज़ करते हैं। सीडी हम लिखेंगे यहाँ पर सीडी बिन, हम बिन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो हम बिन में आ गए, बिन में हमारी सारी जो भी बाइनरी फाइल्स होती हैं वो हमारे बिन के अंदर ही होती हैं। अब हम देखते हैं, हम जाएंगे हमारे वापस से सूडो सू, को ध्यान रखना है कि आपको कहीं से भी कोई भी काम परफॉर्म नहीं करना, आपको पहले अलग से अपनी एक डायरेक्टरी बनाना, उसके अंदर ही आप कुछ भी करेंगे। तो हमें डायरेक्टरी बनाने के लिए हम एम के डी आई आर, हमारे पास कमांड होती है, हमने बनाई एम के डी आई आर।